हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे द वेस्ट लैंड की फर्स्ट पार्ट, द बरियल ऑफ द डेड। द वेस्ट लैंड के बारे में एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में वेस्ट लैंड के बारे में बताया हुआ है। आज मैं उसके फर्स्ट पार्ट में बताऊंगी और उसका समरी भी करूंगी। यदि आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक बार द वेस्ट लैंड को और देखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पोएम के। इस पोएम का लिखा था थॉमस टर्न इलियस, यानी T.S. इलियट ने, जिनका जन्म हुआ था 1888 में, उनकी डेथ हुई थी 1965 में। वो एक एसीएस्ट थे, पब्लिशर भी थे, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक थे और 20th century की बहुत बड़ी फिगर थी। उन्हें नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर, और ये नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर 1948 में मिला था। द वेस्ट लैंड के फ्रेंड्स 5 पार्ट्स है, जिसमें द बरियल ऑफ द डेड फर्स्ट पार्ट, सेकंड अ गेम ऑफ चेस, थर्ड अ फायर, द फायर ऑफ सरमन एंड डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, द बरियल ऑफ द डेड। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्राफ्ट ऑफ डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर स्ट्रिंग, डल रोड्स विद स्प्रिंग रेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोएट है, स्पीकर है, वो अप्रैल को सबसे क्रूलेस्ट यानी सबसे कठोर निर्दयी मंथ बताता है, क्योंकि पोएट को पता है कि ये जो मंथ है, ये आपका गुड फ्राइडे से जुड़ा हुआ है, और उस दिन जो क्रिस्ट थे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए पोएट इसे क्रूलेस्ट मंथ बोल रहा है, क्योंकि इस महीने में बारिश होती है। तो बता रहा है पोएट कि जो इसकी डेड लैंड होती है, पड़ी होती है, तो उसमें से पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, जो डल रूट्स पड़ी होती है वो भी उगना शुरू हो जाती है, जो फूल होते हैं लिलैक, उनके जो बीज पड़े होते हैं वो भी उगना शुरू हो जाते हैं। विंटर कैप्टस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स। जो विंटर होती है वो हमें वार्म रखती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट जो है वो अप्रैल की बुराई कर रहा है, यानी गर्मियों की, और जो विंटर है उसकी बड़ाई कर रहा है, उसे अच्छा बता रहा है कि जो विंटर है वो हमें वार्म रखती है, और जो पूरी पृथ्वी होती है उसे अपनी स्नो से, यानी कि उसको अपने जो स्नो होती है उससे पूरा ढक लेती है, वाइट वाइट हो जाती है पूरी धरती, जिसके कारण क्या होती है, वो अपनी जो अनमेमोरेबल उसकी जो यादें होती है वो उसे भूल जाती है, तो उसे थोड़ा दर्द कम महसूस होता है। समर सरप्राइज अस कमिंग ओवर द स्ट्रेन बर्जिस। अब यहाँ पे स्ट्रेन बर्जिस एक झील का नाम है। तो कहती है जो समर है वो हमें सरप्राइज करता है, जब स्ट्रेन बर्जिस जो झील है उसमें पानी आता है। विद अ शावर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेट। अब यहाँ पे एक मैरी नाम की लड़की के बारे में पोएट बात कर रहा है कि जब हम समर के महीने में स्ट्रेन बर्जिस पर गए तो हम बहुत सरप्राइज हो गए, क्योंकि वहाँ पे बारिश होने लगी और हमें रुककर कॉलोनेट यानी पेड़ों के जो लाइंस होती है उनके वहाँ पर रुकना पड़ा। एंड वेंट इन द सनलाइट इन टू द होफ गार्डन, और उसके बाद हमें सनलाइट में बैठ कर होफ गार्डन में चले गए। होफ गार्डन भी एक जगह का नाम है फ्रेंड्स। एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक फॉर एन आवर, वहाँ पर हमने कॉफ़ी पी और एक घंटे तक कुछ बातचीत की। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये लाइन है, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसका मतलब है कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं एक फ्रेंच हूँ, ये बताना चाह रहा है, क्योंकि पोएट को बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो इसीलिए जो इनकी पोएम है उन्होंने इनमें इनका मिक्सचर भी दिखता है हमें। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, तो यहाँ पे जो मैरी नाम की लड़की वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रही है, अपनी मेमोरी के बारे में। माई कजन्स ही लुक मी आउट ऑन अ स्लैथ एंड आई वॉज फ्राइटेंड, ही सेड मैरी होल्ड ऑन राइट एंड डाउन वी वेंट इन द माउंटेन, देयर यू फील फ्री।
वो बताती है कि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो मैं अपने जो एक कज़न है उसके साथ में रहने के लिए चली गई, और वो मुझे एक दिन स्लैड पे लेकर गया, स्लैड पे घुमाने के लिए, बर्फ़ पे घूमते स्लैड के द्वारा वहाँ पे लेके गया। लेकिन मैं बहुत डर गई, लेकिन उसने कहा कि तुम इसे अच्छी तरह से पकड़ लो। अब यहाँ पर पोइट किसको पकड़ने के लिए बोल रहा है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम इसे अच्छे से पकड़ लो। फिर उसके बाद हम माउंटेन्स के पास गए और वहाँ पर मैंने बहुत फील फ्री महसूस किया, क्योंकि पोइट जो हमें समझाना चाहता है कि जो मॉडर्न युग के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने टाउन्स में बिजी शेड्यूल में एक जो रेस्टलेसनेस है उन्हें होती है, तो उसे घूमने के लिए, उस रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए वो माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है उसके मॉडर्न युग के लोगों के होलोनेस को दिखाना चाहता है। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया है, यानी कि अब मेरी अपने प्रेजेंट के बारे में बता रही है कि जो मेरी रातें हैं वो मच ऑफ द टाइम मैं पढ़ती हूँ, यानी ज़्यादा समय पढ़ने में बीत जाता है, और जब भी यहाँ सर्दियाँ होती है तो मैं साउथ की तरफ चली जाती हूँ। वट आर द रूट्स दैट क्लच वट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन ऑफ मैन। यहाँ पे सन ऑफ मैन क्रिस्ट के लिए यूज़ किया गया है। अब ये क्रिस्ट से कुछ सवाल किया जा रहा है स्पीकर। You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief. तो वो सन ऑफ मैन यानी क्रिस्ट से पूछता है कि जो बंजर जमीन हो चुकी है, स्टोनी रबिश जमीन है, क्या यहाँ पर कुछ जड़ें उग सकती हैं ऐसी बंजर जमीन में? क्या तुम इसे सोच सकते हो, बता सकते हो, या तुम जानते हो इसके बारे में? जो मॉडर्न की तुमने तो कुछ केवल इमेजेस ही देखी है, लेकिन यहाँ की जो सूरज की जो हराश किरणें हैं, जो कठोर किरणें हैं, उन्हें तुम नहीं जानते। एंड द डेड ट्रीज गिव स्नो शेल्टर, और यहाँ के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी अब जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कोई शेल्टर नहीं देते। जो यहाँ की कीट पतंगे हैं, क्रिकेट है, वो भी अब कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर ओनली देयर इज शेडो अंडर द रेड रॉक। और यहाँ पे जो ड्राई स्टोन पड़े हुए हैं और जो पानी है, उनकी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। केवल इंसान की जो पीस है, खुशी के लिए जो एक रास्ता है, वो केवल अंडर द दिस रेड शेडो, रेड रॉक। रेड रॉक का मतलब है रिलीजन, यानी जो रिलीजन है वो ही एक शेल्टर देता है, एक कंफर्टेबल पीस दे सकता है एक मॉडर्न युग के इंसान को। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर, और मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ एक दूसरे से। योर शेडो एट मॉर्निंग स्टार्टिंग बिहाइंड यू, तुम्हारी परछाई जो मॉर्निंग में तुम्हारे पीछे से निकलती है, और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और तुम्हारी शेडो जो तुम्हारे आगे से निकलती है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ डर को उस हैंडफुल ऑफ डस्ट, यानी कि यहाँ पे इंसान की मौत के बारे में जिक्र किया गया है। उसे हैंडफुल ऑफ डस्ट, यानी कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है, तो वह मिट्टी में ही मिल जाती है। तो पोइट वही कहना चाहता है कि मैं इंसान के जो एक अंदर का जो डर है मौत से, वो भी दिखाना चाहता हूँ, मौत का जो डर है। नेक्स्ट आती है जो लाइन्स, ये लाइन्स फ्रेंच वर्ड में लिखी हुई है, जिसे पोइट ने एक रिचर्ड वैगनर नाम के राइटर से ली गई है, और इसका मतलब है कि जो सेलर है वो अपनी जो बीलवड है उसको बोलता है कि इतनी अच्छी हवा चल रही है और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट आ ईयर एगो। अब यहाँ पे एक लेडी बात कर रही है, लेडी स्पीकर आ गई है। दे कॉल मी द हाइसिंथ गर्ल, वो कहती है कि तुमने मुझे एक साल पहले हाइसिंथ के जो फूल दिए थे, इसी कारण अब लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल कहकर पुकारने लगे हैं। येट वैन वी केम बैक लेट फ्रॉम हाइसिंथ गार्डन, हालांकि हम जो मिले थे हाइसिंथ गार्डन में वो बहुत बहुत पहले मिले थे, बहुत टाइम हो चुका है। योवर आर्म्स फुल एंड योवर हेयर वेट आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फील्ड, तुम्हारी जो बाहें थी वो भरी हुई थी, तुम्हारे बाल गीले थे, और ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ देख पा रही थी। आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड, ना मैं जिंदा थी ना मैं मरी हुई थी, एंड आई न्यू नथिंग, मैं कुछ जानती भी नहीं थी।
लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस। और जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक चुप्पी थी, वहाँ एक शांति थी। जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ये लाइन्स भी जर्मन में लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि सागर जो है वो एकदम वीरान और अकेला है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें टोन बदल चुकी है, स्पीकर अलग हो गया है आपका। मैडम सोसोस्ट्रीस्ट फेमस क्लेवोंटे हैड अ बैड कोल्ड नेवर्थलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। अब यहाँ पे एक मैडम सोसोस्ट्रीस्ट के बारे में बात की जा रही है, जो कि भविष्य करती है, भविष्य का बारे में बताती है, लोगों के भविष्य देखती है, लेकिन उसे कोल्ड हो गया है यानी जुखाम हो गया है, फिर भी यूरोप में उसे सबसे बुद्धिमान औरत के रूप में माना जाता है। विद अ विक्ड पैकेट ऑफ कार्ड्स, और उसके पास जो एक टैरेट कार्ड्स होते हैं उनका पैक भी है। हियर सेड शी इज योर कार्ड द ड्राउंड फोनेशियन सेलर। अब यहाँ पे जो ये सोसोस्ट्रिस है वो अपने कार्ड्स को अपने कस्टमर्स को दिखा रही है और उनसे पूछ रहे हैं, इज़ योर कार्ड द ड्राउंड फोनेशियन सेलर। अब जो जितने कार्ड्स हैं वहाँ पे टाइप से बताया गया है किस किस प्रकार के हैं। द ड्राउंड सेलर फोनेशियन है, एंड बेलाडोना, द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशन, हियर इज द मैन विथ थ्री स्टेव्स एंड देयर द व्हील। एक व्हील का भी है कार्ड, एंड मैन ऑफ द थ्री स्टेव्स एंड देयर वन आइड मर्चेंट एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक। और एक कार्ड ब्लैंक भी है लेकिन इसे जो मिसिस सोसोस्ट्रिस है वो नहीं देख पा रही हैं। विच आई केम फॉरबिडन टू सी, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। वो कहती है मुझे जो हैंग्ड मैन यानी क्रिस्ट का जो कार्ड है वो नहीं मिल रहा है। फियर डेथ बाय वाटर, पानी से डरो। अब वो अपने जिस कस्टमर का वो कार्ड देख रहे थे उसे वार्निंग दे रही है कि तुम फियर डेथ बाय वाटर। और जो ये साइन है ये वो अपने आने वाली नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बता रहा है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, मैं देख सकती हूँ कि लोगों की बहुत सारी भीड़ जो कि गोल गोल घूम रही है, यानी कि अपने अपने कामों में लगी हुई है। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसिस इक्यूटस, वन टेल हर आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट टू बी सो केयरफुल दीज डेज। अभी मिसेस सोसोस्ट्रस कहना चाहती हैं एक अपने कस्टमर से कि जो उनके कार्ड्स हैं वो खुद लेकर उन कार्ड्स को लेकर आएगी, क्योंकि आज का जो युग है वो किसी पर भरोसा करने लायक नहीं रह गया। तो यहाँ पे पोएट एक इंडिकेट कर रहा है मॉडर्न युग के जो दिखावे को है, जो आजकल लोगों का ट्रस्ट टूट गया है, तो उसी के बारे में ये मिसिस सोसोस्ट्रस कहती है कि वो अपना कार्ड्स खुद लेकर आएंगी मिस्टर मिसिस इक्यूटन के लिए। अनरियल सिटी, अब यहाँ पर अनरियल सिटी लंदन के लिए बोला गया, क्योंकि लंदन जो शहर है बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है तो पोल्यूशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, यानी कि सुबह सर्दियों की जो सुबह होती है वहाँ पे बहुत सारा फॉग है यानी धुंध छाया हुआ है। अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, और लोगों की एक बहुत लंबी भीड़ लंदन ब्रिज से गुजर रही है। सो मैनी आई हैड नॉट थॉट डेथ एंड अंडन सो मैनी, और जो लोग हैं ये ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि जो डेथ है उन्होंने इसे मार दिया है, यानी कि वहाँ के लोगों में एक सजीवता नहीं है, निर्जीवता है, मरे मरे से लोग हैं। साई शॉर्ट आर इनफ्रीक्वेंट वर एग्जॉल्ट एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फेट, हर आदमी नीचे देखते हुए अपने पैरों की तरफ देखते हुए आहा भरते हुए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और कहाँ से निकल रहे हैं, डाउन किंग विलियम स्ट्रीट से। टू वेयर सेंट मैरी वूल नॉट कैप्ट द आवर्स विद द डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। और यहाँ पे सेंट मैरी वूलनॉथ एक चर्च भी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, और जब इस घंटे में 9 o'clock जब ये घंटा बजती है, घंटी 9 बजे, तो यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं उनके दिल में एक डर सा
घुस जाता है, वो एक फियरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका ऑफिस का या काम पे जाने का टाइम शुरू हो जाता है। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सभी लोग अब एक मशीन की तरह काम करने लग गए, सुबह उठना, ऑफिस जाना, तो सुबह 9 बजते ही इन लोगों के अंदर एक फियर सा आ जाता है। देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम, मैंने वहाँ पे एक इंसान को देखा, क्योंकि मैं उसे जानता था, और मैंने चिल्लाकर उसे कहा, स्टेटसन, यू हु वर विद मी इन द शिप एट मेले, क्या तुम वही हो जो मेरे साथ मेले शिप में थे, शिप में थे मेले, यह जो मेले है फ्रेंड्स, ये एक जगह का नाम है, दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन। अब यहाँ पे वो फ्रेंड्स एक अजीब सी बात करता है स्टेटसन से, क्या जो तुमने लाशों को दबाया था, क्या वो प्लांटेड जो किया था अपने गार्डन में, हैज इट बिगेन टू स्प्राउट, क्या उसमें से कुछ अंकुर निकले, विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो आज खिलेंगे इसमें इस साल में, और हैज अ सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या फिर जो ठंड पड़ रही है, जो ठंड की ओस पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, क्या वो उसे उगने से रोक देगी, ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, तुम अपने जो डॉग है, कुत्ता है, उसे दूर रखना, दैट्स फ्रेंड्स टू मैन, क्योंकि वो एक इंसान का, एक आदमी का फ्रेंड होता है, और विच विद नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, क्योंकि वो जो ज़मीन है उसे खोद देगा, और जो आपने यहाँ पे दबाई हुई है फसल कॉप्स उसे ख़राब कर देगा, यू हाइपोक्राइट लेक्ट मॉन सैम्बलेप मॉन फ्री। जो फ्रेंड्स ये पोएम है, लास्ट में जो लाइन्स किलेंस फ्रेंच में लिखी हुई है, जिसे पोएट ने एक फ्रेंच राइटर से लिया गया है, चार्ल्स बॉलड्रायर, और इस लाइन का मतलब है, यू हिपोक्रेट ट्रेडर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर, एक तरफ वो हिपोक्रेट भी बोल रहा है, एक तरफ वो रीडर और ब्रदर भी बोल रहा है। ये जो पोएम है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में लिखी गई है, 1922 में, तो इसीलिए यहाँ पे जो माहौल है वो थोड़ा सैडनेस का पोएट ने दिखाया हुआ है। तो ये पोएम आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।